हमेशा अपने सुंदर चमचमाती और व्यवस्थित किचन को देखकर बहुत इतराते हैं, पर इसके पीछे का राज है मॉड्यूलर किचन, जिसके कारण ही हम अपने किचन की सभी चीजें सुव्यवस्थित रख पाते हैं। पर जो मॉड्यूलर किचन हमें इतनी सुविधाएं देता है, उसे मेंटेन करना भी तो उतना ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरती'स क्रिएटिव वर्ल्ड में। बाहर से तो हम सभी किचन कैबिनेट को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, पर जब बात आती है किचन ट्रॉली की सफाई की, तब तो हमें नानी ही याद आ जाती है। जिन्हें नहीं पता, उनके लिए तो किचन ट्रॉली को निकालना और लगाना भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। साथ ही किचन ट्रॉली की सफाई, कीड़े कॉकरोच से बचाना, रस्ट लगने से बचाना, ये भी किसी से डर से कम नहीं होता। इसीलिए आज मैं सभी समस्याओं का हल लेकर आई हूँ एक वीडियो में, कि कैसे हम किचन ट्रॉली को पुल आउट करेंगे, कैसे उसकी क्लीनिंग करेंगे, कॉकरोच और चीटियों से बचाव के लिए हम क्या करेंगे, और सबसे खास बात ये कि हम उसे मेंटेन कैसे करेंगे, वही आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। इसे कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रॉली की सफाई से पहले मैंने उसमें रखे सभी सामान को हटाकर ट्रॉली को पूरा खाली कर लिया है। ट्रॉली में एंटी स्लिप मैट बिछाने से सामान के बॉटम में लगी सभी गंदगी मैट पर ही रहती है, जिससे मैट के नीचे की जाली गंदी नहीं होती है, और गीले बर्तन अगर रख भी देते हैं तो जाली में रस्ट भी नहीं लगती है। ये एंटी स्लिप मैट ऑनलाइन मिलती है, जिसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। इस तरह से मैंने सभी मैट हटा दी है। अब इसके बाद हमें ट्रॉली को पुल आउट करना है, जिसकी एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक होती है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो इसे निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ट्रॉली के लेफ्ट एंड राइट साइड मिड में एक ब्लैक क्लिप लगी होती है, जिसको हम दोनों हाथों से एक साथ राइट साइड वाली क्लिप को डाउन और लेफ्ट साइड वाली क्लिप को अप करना होता है। उसके बाद जैसे ही हम ट्रॉली को अपनी साइड खींचेंगे, ट्रॉली तुरंत बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि कैसे मैं ईजिली सभी ट्रॉली को बाहर निकाल पा रही हूँ। अब ट्रॉली के अंदर की साइड वाला एरिया पूरा खाली हो गया है, अब हम आसानी से इसे क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, 2010 में जब मैंने अपना किचन बनवाया था, तब इसकी ट्रॉली की मेंटेनेंस का मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था। जैसे ऐसे यूज़ किया और सफाई की, तो मुझे भी इसका रखरखाव समझ में आया। अब तो YouTube और Google ने सब कुछ आसान कर दिया है। जो नया नया किचन बनवा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर शुरुआत के पहले साल में हमें ट्रॉली को मेंटेन करना आ गया, तो हमारी ट्रॉली में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे शुरू में कोई आइडिया नहीं था, तो मेरी ट्रॉली के चैनल में रस्ट लग गई, क्योंकि एक बार रस्ट लगने पर जो चैनल पर सिल्वर निकल की कोटिंग होती है, वो निकल जाती है और रस्ट के दाग हमेशा के लिए पड़ जाते हैं। बट अब मैं इसकी मेंटेनेंस का खास ध्यान रखती हूँ। ट्रॉली एरिया के सरफेस में मैं हमेशा न्यूज़पेपर बिछा के रखती हूँ। चाहे तो यहाँ भी मैट बिछा सकते हैं, बट उसे वॉश करने का झंझट रहता है। न्यूज़पेपर तो हम दूसरा चेंज कर सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर हटाकर आपको दिखा रही हूँ कि पेपर के कारण बेस बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। बट अगर हम इस एरिया की और चैनल की पूरी क्लीनिंग करने के बाद पेपर हटाएंगे, तो सरफेस को बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा। अब डस्टर से मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। चैनल के ऊपर काफ़ी डस्ट कलेक्ट हो जाती है, उसे भी साफ़ कर लेंगे। ट्रॉली के चैनल की क्लीनिंग के लिए मैं हमेशा टारपीन के तेल का यूज़ करती हूँ। ये इजीली हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाता है। ओल्ड टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से हम चैनल को क्लीन करेंगे। इससे रस्ट भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है, बट रस्ट के जो पुराने दाग पड़ गए हैं, वो नहीं जाते हैं। टारपीन का तेल एक गार्ड का काम करता है। जब हम गीले कपड़े से सनमाइके की क्लीनिंग करते हैं, तो चैनल पर अगर थोड़ा बहुत पानी चला भी जाता है, तो ऑयल लगी होने के कारण चैनल ख़राब नहीं होता है। कुछ घंटों में इस पर लगा टारपीन का तेल और उसकी महक भी उड़ जाती है, यानी गायब हो जाती है। बट टारपीन ऑयल से चैनल की क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है।
इस तरह से मैंने एक साइड के तीनों चैनल की क्लीनिंग तारपीन ऑयल से कर ली है। अब इसे टिश्यू पेपर या कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। लास्ट में एक बार कपड़े में थोड़ा सा तारपीन ऑयल लेकर फिर से इसे अच्छे से साफ कर देंगे। इस तरह से ये अच्छे से क्लीन हो गया है। अभी मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड की ही तीनों चैनल को क्लीन किया है, राइट साइड की नहीं। खुद ही देख सकते हैं कि कितने अच्छे से तारपीन ऑयल से चैनल क्लीन हो गया है। अब राइट साइड की चैनल को क्लीन करने के लिए मैं यूज करूंगी 1 टीस्पून डिश वॉशिंग लिक्विड, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून विनेगर। तीनों को मिक्स करके इसे भी टूथब्रश की हेल्प से चैनल पर अप्लाई करके फिर सूखे कपड़े से इसे पोंछ देंगे। जहाँ पर इसे अप्लाई करना है वहाँ इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ही बनाएंगे और उतना यूज़ करके जब कहीं और करना होगा तो हम दोबारा बनाएंगे। वैसे तो मैं तारपीन के ऑयल का ही यूज़ करती हूँ, बट आज मैंने आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए दूसरी साइड सोडा विनेगर से क्लीनिंग बताई है। तब मुझे महसूस हुआ कि सोडा विनेगर से चैनल में काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है, जिससे चैनल उतना स्मूथ नहीं चलता जितना तारपीन ऑयल से चलता है। इसके बाद इसे भी हम अच्छे से कपड़े से पोंछ देंगे। अब सनमाइकी की क्लीनिंग में सिंपल डिस लिक्विड सोप और एकदम हॉट वाटर का से कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी तरह की चिकनाई के दाग धब्बे के लिए हॉट वाटर बेस्ट होता है। वहीं नॉर्मल वाटर से चिकनाई और ग्रीसी हो जाती है, साथ ही टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये काम बहुत ही फटाफट से करना है क्योंकि पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। फिर हल्के गीले कपड़े से दो बार अच्छे से पोंछ देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से कोना कोना क्लीन हो गया है, लग रहा है ना चकाचक। इसके बाद हम करेंगे ट्रॉली की सफाई। आप देखेंगे सबसे ज्यादा गंदी सबसे ऊपर की साइड में लगी हुई ट्रॉली होती है। बेस में तो हम मैट बिछाकर उसे सुरक्षित कर लेते हैं, बट चैनल के आसपास और जहाँ से ये प्लाई से अटैच होती है उस पार्ट में बहुत गंदगी कलेक्ट हो जाती है। इसलिए सबसे पहले एक सूखे ब्रश से इसे क्लीन कर लेंगे। उसके बाद पानी से गार्ड करने के लिए फिर से कोटिंग करेंगे हम चैनल पर तारपीन के तेल की। क्योंकि मैं हमेशा से ही ट्रॉली को करती हूँ वॉश, फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रॉली में कहीं भी रस्ट नहीं लगी है और इसकी प्लाई भी ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि प्लाई मैंने बहुत ही सर्च करके बढ़िया वाली लगवाई है। प्लाई मेनली चार प्रकार की होती है, कमर्शियल, सेमी वाटरप्रूफ, वाटरप्रूफ और फुल्ली वाटरप्रूफ यानी गर्जन। तो मैंने यहाँ किचन के लिए गर्जन प्लाईवुड का यूज़ किया है, जिसके कारण मेरे किचन का फर्नीचर वैसा का वैसा है जैसा आज से 11 साल पहले था। इसे साफ़ करने के लिए मैं सिंपल लिक्विड सोप और हॉट वाटर का यूज़ कर रही हूँ। एक नज़र आप भी ज़रा अपनी किचन की सबसे ऊपर वाली ट्रॉली पर मारिएगा तो देखेंगे कि ट्रॉली जहाँ से प्लाई से अटैच है वहाँ पर कितनी गंदगी कलेक्ट हो गई है, जो कि बिना वॉश किए साफ नहीं होने वाली। इसीलिए मैं सभी ट्रॉली को ब्रश और स्क्रबर की हेल्प से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद पानी से वॉश कर लेती हूँ। इसी प्रकार से मैं सभी मैट को भी साबुन और पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। साल में एक बार इतनी मेहनत मुझे बिल्कुल भी नहीं खलती, क्योंकि ये हमारी किचन की मेंटेनेंस के लिए ही होती है।
ये एंटी स्लिप मैट इतनी अच्छी होती है कि धोने के बाद बस अच्छे से फटकार कर सुखा देने मात्र से ही बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और इसको वॉश करना भी बहुत ईजी होता है। ये देखिए हमारी ट्रॉली भी बहुत जल्दी ही एकदम अच्छे से ड्राई हो गई है। कहीं पानी रह गया हो तो सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे। पानी से वॉश किया है इसके लिए इसकी सेफ्टी के लिए मैं इस पर लगाऊंगी बहुत ही हल्का सा कोकोनट ऑयल। जहाँ पर थोड़ा बहुत टिश्यू पेपर या छोटे छोटे पुराने कपड़ों का काम होता है मैं वहाँ ये वाला यूज़ एंड थ्रो वाला मास्क का रीयूज़ कर लेती हूँ। एक बार पहनने के बाद दोबारा यूज़ तो होता नहीं है, इसलिए कपड़ों के साथ ये मास्क भी जब मशीन के हॉट वाटर्स में धुल जाता है तो मैं इसका इस प्रकार से टिश्यू पेपर की तरह कुछ वाइप करने में यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि प्लेटफॉर्म पर कुछ ऑयल गिर गया है या फ्लोर पर कुछ गिर गया है उसे क्लीन करके थ्रो कर देती हूँ। कोकोनट ऑयल को ट्रॉली में सब जगह लगाना है बट भूल कर भी चैनल पर नहीं लगाना है, नहीं तो ठंड में ट्रॉली बहुत स्मूथ नहीं चलेगी। चैनल में हम तारपीन ऑयल ही लगाएंगे। मैं कैसे क्लीन करती हूँ वो तो आपने देख लिया, रस्ट न लगे उसके लिए मैं क्या करती हूँ वो भी आपने देख लिया। अब देखते हैं कॉकरोच और चींटियों से सुरक्षा के लिए मैं क्या उपाय करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम सरफेस में के साइज़ का पेपर फोल्ड करके रख लेंगे और पेपर को हटा देंगे। लक्ष्मण रेखा नाम से मार्केट में ये चॉक मिलती है जो खासकर चींटियों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ये सभी जानते हैं। इस चॉक को पानी में गीला करके मैं इस कैबिनेट के सभी एजेस पर लगा दूंगी क्योंकि मैंने देखा है इसे लगाने से बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आती हैं। और अगर हम ये नहीं करते हैं और कहीं भी अगर किसी मीठी चीज़ को हाथ से हम किसी भी ट्रॉली को छू लेते हैं तो चींटियों की ऐसी लंबी लाइन लग जाती है कि तब उसे हटाने में ना जाने कितनी चींटियों की जीव हत्या का पाप लगता है, इसलिए मुझे ये उपाय बेस्ट लगता है। अब उसके बाद हम पेपर बिछा कर देखेंगे कि हम कॉकरोच के लिए क्या उपाय करेंगे। कॉकरोच या छोटे छोटे कीड़ों को जो किचन को बहुत गंदा करती हैं इसका बेस्ट उपाय है ये ऑल कॉकरोच आउट। इसको यूज़ करने से एक भी छोटे छोटे किसी भी टाइप के झींगुर या कॉकरोचेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है ये। मोस्टली एग्जीबिशन आदि में जहाँ छिपकली चींटियों कॉकरोच हटाने वाली टैबलेट या पाउडर मिलता है वहाँ ये टैबलेट भी आसानी से मिल जाती है। ये चॉक की तरह ही छोटे छोटे पीसेज में होती है, सिर्फ एक या दो पीसेज ही सभी कैबिनेट या घर की किसी भी सूखी जगह पर काफ़ी होती है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती है। न्यूज़पेपर के बाहरी वाली साइड पर मैंने सेलो टेप लगा दिया था जिससे ट्रॉली को खोलने बंद करने में पेपर सरकेगा नहीं। इसके बाद मैं सभी चैनल पर मशीन के तेल से अच्छे से ऑयलिंग कर दूंगी। दोस्तों हमेशा याद रखना है कि चैनल पर मशीन के ऑयल के अलावा कोकोनट ऑयल या खाने वाला मीठा तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रीसी होकर जाम हो जाएगा और बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चलेगा। और ट्रॉली के स्मूथनेस के लिए साल में दो बार चैनल पर ऑयलिंग करना भी बेहद ज़रूरी है। अब ट्रॉली को लगाने के लिए सबसे पहले दोनों साइड के चैनल को पूरा अंदर की साइड कर देंगे। अब ट्रॉली में लगी लेफ्ट साइड की चैनल के कॉर्नर को कैबिनेट के लेफ्ट में लगी चैनल के कॉर्नर के अंदर हल्का सा इंसर्ट करेंगे। फिर ऐसा ही राइट साइड की चैनल के लिए करेंगे। दोनों साइड के कैबिनेट और ट्रॉली के चैनल अगर सही जगह इंसर्ट हो जाएं, तो हल्का सा पुश करके हम ट्रॉली को अंदर कर देंगे और ट्रॉली फिट हो जाएगी। बट अगर ट्रॉली पुश करने से अंदर नहीं जाए तो ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो चैनल की वॉल बेयरिंग निकल जाएंगी और चैनल ख़राब हो जाएगी। इसीलिए ध्यान से जब दोनों साइड अच्छे से इंसर्ट हो गया हो तभी हम ट्रॉली को अंदर की साइड पुश करेंगे। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से चल रहा है ना। कभी कभी एक समस्या आ जाती है ट्रॉली में कि ट्रॉली बंद करने के बाद भी अपने आप खुल जाती है। इसका बहुत छोटा सा कारण होता है जो बहुत कम लोग को मालूम होता है। कैबिनेट में लगे चैनल के पीछे के साइड के कॉर्नर पर इस प्रकार की एक स्प्रिंग लगी होती है जिसका लॉक कभी कभी खुल जाता है। अगर बार बार ट्रॉली के खुलने की प्रॉब्लम है तो आप देखिएगा कि ये लॉक खुल गया है, तो लेफ्ट साइड के लॉक को ऊपर साइड में लॉक करना है, वहीं राइट साइड की स्प्रिंग को नीचे की साइड में लॉक करने से हमारी बार बार ट्रॉली खुलने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए अब हो रही है ना ट्रॉली एक बार में बंद। हमारी मैट भी अच्छे से सूख गई है।
इसे बिछाने से पहले हम इसके पीछे भी लक्ष्मण रेखा वाली चौक को गीला करके सभी जगह अच्छे से लगा देंगे। इस ट्रॉली में ये दो मैट मैं अलग से क्यों लगा रही हूँ, ये ट्रॉली पूरी खाली क्यों है, इसका मेरा इस एक स्पेशल राज जानना हो तो एक बार मेरा किचन टूर वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी। बाकी के बर्तन भी अभी मैंने डिशवॉशर से नहीं निकाले हैं, इसीलिए ट्रॉली में बर्तन काफ़ी कम लग रहे होंगे। इस तरह से मैं सभी ट्रॉली प्रॉपर अरेंज कर दूँगी। मैं अपने सभी लवली लवली व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा और उसे इतना पसंद किया कि उसे 1 मिलियन व्यूज तक पहुंचा दिया। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहा है और उम्मीद है ऐसे ही मिलता रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने से मुझे सपोर्ट मिलता है, इसलिए जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।